अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमशेद आसमान इंफॉर्मेटिव चैनल। जुनेद जमशेद एक बार फिर आप तमाम व्यूअर्स की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है, ब्रीडिंग का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो आज हम एक बार फिर एक ब्रीडिंग सेटअप पे मौजूद हैं। यहाँ पे आप तमाम व्यूअर्स की खिदमत में हाजिर हुए हैं और बहुत सारे लोग जो ब्रीडिंग के हवाले से बर्ड्स के कारोबार के हवाले से जानना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इस टाइप के सेटअप्स दिखाए जाएँ, तो आज हम एक ऐसे सेटअप पर मौजूद हैं जहाँ पर आपको तमाम बड़े बर्ड्स मिलेंगे और ब्रीडर पेयर मिलेंगे। तो यहाँ पर आज हम फैसल भाई के पास मौजूद हैं, VIP बर्ड कॉर्नर के नाम से इनका ये सेटअप है और यहाँ पे आपको मल्टीपल ब्रीड्स मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग मिल जाएगी। तो आज हम फैसल भाई से पूछेंगे आप तमाम व्यूअर्स के लिए कौन कौन से ब्रीडर पेयर इनके पास मौजूद हैं और उनके क्या प्राइस हैं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं और फैसल भाई से बात कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, फैसल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साथ साथ आप लोगों को ये भी मेंशन कर देता हूँ कि अक्टूबर के महीने में लालूखेत बर्ड्स मार्केट में हमने मेंशन किया था और ज़्यादातर लोग यही कहते थे कि जनाब जब भी ब्रीडर पेयर आते हैं ब्रीडिंग के सीज़न में तो मार्केट से शॉर्ट हो जाते हैं, मिल नहीं पाते। तो इसी वजह से हमने फैसल भाई से रिक्वेस्ट की थी और आज इनकी खिदमत लेंगे आप तमाम व्यूअर्स के लिए। जी फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि कौन कौन से ब्रीडर पेयर मौजूद हैं। जी देखें, जैसे कि अभी आपको पता है सीज़न स्टार्ट हो चुका है, लोगों के पास चिक्स भी आना शुरू हो गए, तो अभी माल बहुत शॉर्ट था, मगर आपके व्यूअर्स की बहुत कॉलों के ऊपर मैंने तकरीबन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि ब्रीडर पेयर निकालूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज टोटल वैरायटी ब्रीडर की निकाली है, जिसमें रिंग नेक, पहाड़ी, ग्रे पैरेट, इलेक्ट्रिक और सनकिन और बहुत सारी मोटिशन हैं जो मैं भी दिखाता हूँ आपको। चलें, तो व्यूवर्स इनके पास वैसे तो हमने एक ओवरव्यू देखा है, काफ़ी ज़बरदस्त ब्रीडिंग बर्ड्स मौजूद हैं, तो आप लोगों को एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद वन बाय वन इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जी फैसल भाई, रॉ पैरेट से शुरू करें यानी कि अलेक्जेंडर, तो इसके बारे में बताएं ये जो हम पेयर देख रहे हैं। जी ये मेरे पास अलेक्जेंडर ओरिजिनल कश्मीरी पहाड़ी का पेयर है और 4.5 से 5 साल का पेयर है, कंफर्म ब्रीडर पेयर है। साइज़ वाइज आप माशाल्लाह देख सकते हैं, फुल जंबो साइज़ में। अच्छा, ये बताएं कि ये पहले ब्रीड दे चुके हैं पेयर? जी ये पहले ब्रीड कर चुके हैं और अब इस सीज़न में दोबारा तैयार हैं, बॉक्स वगैरह में जा रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं इनकी। ओके, तो क्या डिमांड है इन पेयर की? इस पेयर की डिमांड जो है वो 70,000 रुपये। 70,000 रुपये पेयर की डिमांड है। और ऐसे कितने पेयर आपके पास मौजूद हैं? पहाड़ी के अभी मेरे पास मैक्सिमम 8 पेयर अवेलेबल हैं। 8 पेयर मौजूद है। और व्यूवर्स एक बात और भी मेंशन कर देता हूँ, काफ़ी मानूस हुए पेयर हैं ये और ज़्यादा केजेस वगैरह में फड़फड़ा नहीं रहे, जिस तरीके से अक्सर हम देखते हैं कि केजेस में फड़फड़ा रहे होते हैं, तो काफ़ी अच्छे टेम भी हुए हैं ये, सेट हुए हैं और इसके अलावा कुछ बर्ड्स हैं इसमें से टॉकिंग भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें टॉकिंग बर्ड्स भी है मेरे पास काफ़ी सारे और ब्रीडर भी है। तो व्यूअर, इन जितने भी पहाड़ी के पास मौजूद है कश्मीरी, उसमें मैंने देखा है यहाँ पे अक्सर जो बर्ड्स हैं मेल या फीमेल उनमें से टॉकिंग कर रहे हैं, और ये आप लोगों को एक मेल दिखाया जो टॉकिंग कर रहा था, तो यहाँ पे इनके पास काफ़ी अच्छे पेयर मौजूद हैं इसके। जी फैसल भाई, ये जो हम पेयर देख रहे हैं इसके बारे में बताएँ। जी ये मेरे पास ब्रीडर पेयर है, टर्कवाइज ब्लू का मेल है और सिल्वर कलर की इसकी फीमेल है। अच्छा, तो क्या डिमांड है इस पेयर की? इस पेयर की 80,000 रुपये डिमांड है। 80,000 रुपये इस पेयर की डिमांड है। और ये भी बताइएगा साथ साथ इस पेयर ने पहले ब्रीड दी है? जी इस टाइम जितना रिंग नेक मैं आपको दिखा रहा हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा मेरा ब्रीडर पेयर है और नीट एंड क्लीन अच्छे साइज़ों के अंदर है। ठीक है। अच्छा, आपने काफ़ी बड़ा केज इसको प्रोवाइड किया हुआ है, तो क्या रिंग नेक को इतना बड़ा केज देना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा केज इसलिए दिया हुआ है कि इसको फ्लाई भी अच्छी मिली हुई है, जिसकी वजह से इसके टेल वगैरह और साइज़ वगैरह बिल्कुल बेहतरीन हुआ है।
जी फैसल साहब, ये जो हम देख रहे हैं पेयर, इसके बारे में बताएं। जी ये मेरा ब्रीडर पेयर है, ये भी ब्लू का मेल है इसमें और ग्रे की फीमेल है। अच्छा, तो क्या उम्मीद है, कैसे म्यूटेशन आएगी इसकी? जी देखें, या तो ब्लू बच्चे आते हैं या ग्रे बच्चे आते हैं, कोई तीसरी म्यूटेशन नहीं आती है इसके अंदर। अच्छा, कारोबारी मकासद से अगर देखा जाए तो एक्सपेंसिव किसके होते हैं, ब्लू के और ग्रे के? ब्लू कलर ज़्यादा है इसका अभी तक, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसकी एक्टिविटी से आप देख सकते हैं कि इस टाइम पूरा जोड़ा ये तैयार है माशाल्लाह। ठीक है, क्या डिमांड है इस पेयर की? इस पेयर की 80,000 रुपये डिमांड है। 80,000 डिमांड है, और जैसा कि फैसल भाई ने बताया ब्रीडर पेयर है, तो पहले ब्रीड दे चुके। जी बिल्कुल कंफर्म ब्रीड कर चुका है। जी फैसल भाई, यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्लू का पेयर, इसके बारे में बताएं। जी ये मेरे पास ब्लू के टॉकिंग और ब्रीडर पेयर है, ये टॉकिंग भी करते हैं और ब्रीड के ऊपर भी लगे हुए हैं माशाल्लाह। ये पिछले सीज़न भी ब्रीड कर चुके हैं और इस सीज़न बिल्कुल रेडी हैं ब्रीड के लिए। अच्छा, इनकी क्या डिमांड है? अच्छा, इनकी जो डिमांड 80,000 रुपये मैंने रखी है, कि मेरे पास कलर में भी हैं जो डिफरेंट कलर हैं, उनके डिफरेंट प्राइस है, मगर जो ब्लू और ग्रे हैं इनके सब के तकरीबन 80,000 रुपये मैंने पर पेयर की फाइनल प्राइस रखी है। 80,000 इस पेयर की डिमांड है, तो मैच्योर पेयर है? ये पूरा मैच्योर पेयर है, 4.5 से 5 साल का है। पहले ब्रीड देते हैं? ये पहले ब्रीड कर चुका है, मेरे पास 3 से 4 पेयर इस टाइम अवेलेबल हैं सेम ब्लू के अंदर भी। जी फैसल साहब, ये जो हम देख रहे हैं पेयर, इसके बारे में बताएं। जी ये पूरा सेम पेयर है ग्रे का मेरे पास माशाल्लाह, ये भी ब्रीडर पेयर है और इस सीज़न के लिए बिल्कुल रेडी है, बॉक्स में आना जाना शुरू करा हुआ इसने भी। अच्छा, तो क्या डिमांड है इस पेयर की? इस पेयर की भी 80,000 है, 80,000 रुपये फाइनल इसकी भी डिमांड है। 80,000 डिमांड है और पहले ब्रीड दे चुका है, तो अब जैसे कि सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो इंशाल्लाह कब तक एग लेइंग हो जाएगी? ये इंशाल्लाह महीने डेढ़ महीने के अंदर लेइंग कर देगा, क्योंकि मैंने अपने तकरीबन बर्ड्स को अपना फार्मूला लगा दिया। जी फैसल भाई, ये जो हम देख रहे हैं ये भी बेसिकली ब्लू है? जी इसका जो मेल है वो टर्कवाइज ब्लू है और फीमेल जो है इसकी वो कॉमन ब्लू है। आप पेयर की एक्टिविटी इस टाइम देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे पेयर मुंह बोले ब्रीडर नहीं है, ये ब्रीड करते हुए मेरे पास आ रहे हैं, ब्रीड की पूरी गारंटी है और बर्ड्स की क्वालिटी माशाल्लाह आपके सामने। जी तो ये बताएं इसकी क्या डिमांड है? इसके 80,000 रुपये फाइनल है। 80,000 इसकी डिमांड बता रहे हैं, और ये बेसिकली टर्कवाइज ब्लू के लाते? जी टर्कवाइज ब्लू का मेल है और ब्लू कॉमन की फीमेल है। अच्छा, ये कौन सी म्यूटेशन कहलाती है जो नाम दिया है? ये टर्कवाइज असल में ब्लू से ही निकलता है, जो इनके परों पे आपको शेड सी ग्रीन सा नज़र आ रहा है, उसकी वजह से ये टर्कवाइज में चला जाता है। तो ये क्या ग्रीन और ब्लू की म्यूटेशन है? नहीं, ये कॉमन ब्लू में से निकलता है, जिसकी वजह से कोई एक आधा चीज़ टर्कवाइज में आ जाता है, शेड होता है, तो उस वजह से इसको टर्कवाइज बोल देते हैं। जी फैसल साहब, ये जो हम पेयर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। जी ये पेयर जो है मेरे पास टर्कवाइज ब्लू का मेल है इसके अंदर और लैस्टिन की फीमेल है, बहुत अच्छे साइज के अंदर माशाल्लाह पेयर है और कंफर्म ब्रीडर पेयर है ये। अच्छा, वाइट की फीमेल है, लैस्टिन की फीमेल है इसमें और टर्कवाइज ब्लू का मेल है। ओके, तो क्या म्यूटेशन आएंगे इसके? इसमें देखें वाइट बच्चे भी आते हैं और ब्लू भी निकलते हैं, टर्कवाइज भी निकलते हैं। ठीक, तो क्या डिमांड है इस पेयर की? इसकी 95,000 डिमांड रखी है, 95,000 रुपये। 95,000 इसकी डिमांड है, और पेयर जो है वो ब्रीड दे चुका है पहले? जी ये पहले ब्रीड कर चुका है, इस सीज़न इसकी थर्ड ब्रीड होगी। थर्ड ब्रीड होगी इसकी। जी फैसल साहब, ये जो हम देख रहे हैं पेयर येलो रिंग नेक, इसके बारे में बताएं। जी येलो के मेरे पास माशाल्लाह बहुत अच्छे साइज़ के अंदर ब्रीडर पेयर पड़े हुए हैं, और एज जो है इनकी 4.5 से 5 साल है। ये तकरीबन जितने पेयर हैं येलो की, इन्होंने भी देखें आप बॉक्स पकड़े हुए और आना जाना शुरू है, मीटिंग भी हो रही है, तो मैक्सिमम ये 15 से 20 दिन के अंदर लेइंग कर देंगे। अच्छा, तो 15 से 20 दिन के अंदर एग लेइंग कर देंगे, और फुली मैच्योर पेयर हैं पहले ब्रीड डे? जी ये फुल मैच्योर 4.5 से 5 साल के पेयर हैं। अच्छा, ये बताएं क्या डिमांड है इसके? इसके 1.5 लाख रुपये येलो पेयर की डिमांड है। 1.5 लाख रुपये येलो रिंग नेक के पेयर की डिमांड है। जी तो ब्रीड करता हुआ पेयर है? जी ये ब्रीड करते हुए पेयर है। कितने पेयर मौजूद हैं अभी आपके पास? येलो की इस टाइम मेरे पास 5 पेयर अवेलेबल है। जी फैसल साहब, ये बताएं ये जो हम पेयर देख रहे हैं इसके बारे में। जी ये माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा पेयर है, टॉकिंग प्लस ब्रीडर पेयर है कंफर्म। इसकी टॉकिंग भी फेस टू फेस है, 8 से 10 अल्फाज पूरा पेयर बोलता है, मेल भी बोलता है फीमेल भी बोलती है इसकी। अच्छा, तो ये येलो रिंग नेक है? नहीं, इसका मेल जो है येलो से ही निकला हुआ है, येलो का स्प्लिट कहलाएगा। बज़ाहिर आप देखें येलो के जो बेल्ट होती है वो ब्लैक नहीं होती,
इसमें ब्लैक आई हुई है मगर ये येलो से ही आया हुआ है। तो मेल और फीमेल दोनों टॉकिंग के हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडर पेयर है। अच्छा, तो प्राइस क्या है इसके? इसके 1.5 लाख रुपये इसकी भी डिमांड, 1.5 लाख रुपये प्राइस है इसके। जी फैसल भाई, काफ़ी डिफरेंट कलर हैं इस रिंग में, के इसके बारे में बताएं। जी इसमें मैं भी आपको 4 से 5 कलर दिखाता हूँ, बहुत अच्छी मोटिशन के पेयर आए मेरे पास। प्लस इनके पाँव में आप रिंग देख सकते हैं, लोकल रिंग है, कोई इंपोर्टेड आइटम नहीं है और माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी के पेयर है। ये वाला जो आप पेयर देख रहे हो इसमें कोबाल्ट का मेल है, क्लियर हेड क्लियर टेल, और फीमेल जो है इसकी कोबाल्ट की है। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ स्लाइटली कलर डिफरेंस है। जी बिल्कुल, इनका कलर डिफरेंट होता है थोड़ा सा। अभी जो मेल इसका है वो अपना और मज़ीद हेड साफ़ करेगा तो ये प्रॉपर वाइट कलर में आ जाएगा इसका है। ओके, तो अभी ये बताएं कि इन पेयर की एज क्या है, क्या ये मैच्योर पेयर है? जी ये पेयर 2.5 साल का है, इस सीज़न फर्स्ट ब्रीड करेगा ये इंशाल्लाह। इस सीज़न फर्स्ट ब्रीड के लिए रेडी हुआ है, यानी कि अभी इनकी बॉन्डिंग कंप्लीट हुई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी बॉन्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, फीडिंग एक्सचेंज कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 99% चांस है इस सीज़न ये ब्रीड कर देंगे। तो क्या डिमांड है इस पेयर की? इस पेयर की डिमांड 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये पेयर की डिमांड है और काफ़ी डिफरेंट कलर हैं, एक न्यू म्यूटेशन है, लेकिन इसका मतलब ये हरकत नहीं है कि ये रिंग नेक जो है वो डिफरेंट कलर के बच्चे नहीं निकालेगा, वो ब्लड लाइन के ऊपर डिपेंड है। जी बिल्कुल। जी फैसल भाई, ये जो हम पेयर देख रहे हैं इसके भी काफ़ी डिफरेंट कलर हैं, तो इस रिंग नेक की खसूसियत के बारे में बताएं। जी देखिए माशाल्लाह, आप पहले तो इसका कलर चेक करें ना, कितना डार्क कलर है। ये कहलाता है वायलेट DFH, उसके अंदर आ जाता है क्योंकि इसके फीदर आप देखें तो स्पेंगल हैं इसके परों में, ये एच में आता है। इसके अलावा मेरे पास वायलेट डबल फैक्टर भी है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, मगर ये वायलेट DFH कहलाता है और कंफर्म गारंटी के साथ ये ब्रीडर पेयर है। अच्छा, तो क्या डिमांड है इस पेयर की? देखें ये वायलेट डबल फैक्टर एच कहलाता है और इसकी जो डिमांड हमने रखी है वो 5 लाख रुपये रखी है। 5 लाख रुपये इसकी डिमांड है। और पेयर की क्या एज है? पेयर की एज माशाल्लाह तकरीबन 4 साल हो चुकी है। 4 ईयर्स एज बता रहे हैं, दैट मीन्स के मेच्योरिटी की जानिब जा रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ब्रीड कर चुका है या करेगा? कंफर्म फर्स्ट ब्रीड कर चुका है, इस सीज़न इसकी सेकंड ब्रीड है। जी फैसल भाई, जो हम पेयर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। जी ये भी मेरे पास माशाल्लाह बहुत नीट एंड क्लीन साफ सुथरा वायलेट का पेयर पड़ा हुआ है और ये भी कंफर्म ब्रीडर पेयर है और रिंग आप देख सकते हैं लोकल कराची की ही ब्रीड है ये थी। अच्छा, इनका साइज़ थोड़ा मुझे कम लग रहा है दूसरे पेयर नहीं। इसका साइज़ कम नहीं है, इसका कलर थोड़ा सा आपको डिम लग रहा है क्योंकि ये सिंगल फैक्टर वायलेट कहलाता है और जो इससे पहले दिखा है वो डबल फैक्टर वायलेट थे। ओके, सिंगल फैक्टर वायलेट है, इसकी क्या डिमांड है? इसके 4.5 लाख रुपये। 4.5 लाख रुपये डिमांड है। और पेयर की एज? पेयर की एज 4 साल है। 4 साल है। तो पहली ब्रीड दे चुका है ये? पहले ब्रीड कर चुका है, ये इस सीज़न सेकंड ब्रीड करेगा। जी फैसल भाई, ये जो हम पेयर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। जी ये माशाल्लाह आप देखें इसके कलर कितने फुल हैं, ये रिसीविंग पाइड कहलाता है, ग्रीन रिसीविंग पाइड की फीमेल है इसकी और ब्लू रिसीविंग पाइड का मेल है और ये पूरा पेयर जो है DNA के साथ है। तो क्या डिमांड है इस पेयर की? इस पेयर की डिमांड 1.5 लाख रुपये है, ग्रीन वाली फीमेल है और ब्लू मेल है इसका। अच्छा, DNA कराने की कोई ख़ास वजह? देखिए DNA कराने की वजह यह है कि इसमें अभी बैल नहीं आ रहा था और ये इस सीज़न फर्स्ट ब्रीड करेंगे, मैक्सिमम इनकी एज 2.5 साल हो चुकी है, DNA में वाजे है कि ब्लू वाला मेल है और ग्रीन वाली फीमेल है। ठीक है, तो ये ब्रीडिंग करेंगे अभी फर्स्ट ब्रीड के लिए रेडी? जी फर्स्ट ब्रीड के लिए रेडी। तो क्या डिमांड है इस पेयर की? इसकी 1.5 लाख रुपये डिमांड रखी है। 1.5 लाख रुपये डिमांड है, फर्स्ट ब्रीड के लिए रेडी हो गए और वाइट में और डिफरेंट कलर में है तो काफ़ी अच्छी एक म्यूटेशन है। जी फैसल भाई, ये जो हम देख रहे हैं रिंग नेक, इसके बारे में बताएं। जी रिंग नेक के मेरे पास 25 से 30 पेयर है और सारे माशाल्लाह ब्रीडर पेयर हैं, इसकी फीमेल बॉक्स के अंदर भाग गई है अभी। अच्छा, तो क्या डिमांड है इनकी? इनकी मैंने पर पेयर की डिमांड जो रखी है वो 15,000 रुपये रखी है। 15,000 पर पेयर की डिमांड है और ये जो पेयर हैं वो पहले ब्रीड दे चुके हैं? ये सब माशाल्लाह मेरे पास पेयर ब्रीड कर चुके हैं और अगर कोई बॉक्स के साथ लेना चाहेगा तो 16,500 रुपये का पेयर पड़ेगा, 0 मीटर 7 बॉक्स मिल जाएगा और सिंगल पेयर जो लेगा वो 15,000 रुपये का है। तो व्यूवर्स, अभी हमने रिंग नेक का सेक्शन देख लिया जिसमें अलेक्जेंडर थे, इसके अलावा रिंग नेक की काफ़ी सारी म्यूटेशन फैसल भाई ने दिखाई और ये भी मैं एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, व्यूवर्स के लिए, कि ज़्यादातर लोग जो है वो ग्रीन रिंग नेक में काम कर
रहते हैं, क्योंकि वो अफोर्डेबल भी होता है, कुव्वत ख़रीद में भी होता है, और आम तौर पर लोग उसका शौक कर लेते हैं, ब्रीड करा लेते हैं, तो उसमें व्यूवर्स के लिए क्या डिस्काउंट हो जाएगा, क्या कॉपरेट हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखें इस सीज़न जो है मैंने तकरीबन बॉक्सेस लगा दिए, मेरे पास लेइंग अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते डेढ़ हफ्ते दो हफ्ते में शुरू हो जाएगी, तो आपके व्यूवर्स कोई भी आएगा अंडों के साथ हो या बच्चों के साथ, बॉक्स समेत उनको मिल जाएगा, और जो भी हो सकेगा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उनको डिस्काउंट भी करके दें। ठीक है, तो फर्दर आपके डिस्काउंट के लिए हमने रिक्वेस्ट कर दिए, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया बता दें कितने तक? मैक्सिमम हम एक पेयर के ऊपर 1000 रुपये का डिस्काउंट उनको दे देंगे आपके चैनल के सजेशन से, जो भी आपका व्यूवर्स आएगा। यानी 14,000 का पेयर पड़ेगा और उसमें फर्दर कोई नेगोशिएट नहीं होगा? नहीं बिल्कुल, ये फाइनल प्राइस है, विदाउट बॉक्स के 14,000 रुपये में हम पेयर दे देंगे। तो जैसा कि फैसल भाई आपने खुद भी बताया कि आपने ब्रीडिंग फार्मूला ऑलरेडी बर्ड्स को दे दिया है, तो मैं जो भी हजरात आपसे रिंगनेक लेते हैं या ग्रीन रिंगनेक लेते हैं या कोई सा भी पेयर लेते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा हमारे व्यूवर्स के लिए कि साथ में उनको एक डोज जो है वो ब्रीडिंग फार्मूले का दिया जाए। जी बिल्कुल, देखें ये आपके कहने से हम आपके व्यूवरों को बिल्कुल, जो हमसे पेयर लेगा उसको हम मैक्सिमम एक हफ्ते का फार्मूला गिफ्ट करेंगे इसके साथ। और जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया मैंने तमाम अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग फार्मूला लगा दिया है, क्योंकि सीज़न रेडी है और बर्ड्स की एक्टिविटी आप माशाल्लाह देख सकते हैं, कोई फीड करा रहा है, कोई मीटिंग कर रहा है, इस तरीके से सब लगे हुए। जो भी आपका व्यूवर आएगा मेरे पास बर्ड्स लेने के लिए, उनको मैं एक ब्रीडिंग फार्मूले का इनके साथ डोज में 1 वीक का मैं उनको साथ गिफ्ट कर दूँगा। चलें, जज़ाकअल्लाह, हमारे व्यूवर्स के लिए ये भी रिक्वेस्ट होगा। या फर्दर ये बताएं कौन सी ब्रीड दिखाएंगे व्यूवर्स को? जी अब मैं आपको दिखाता हूँ सनकिनोर, और सनकिनोर में माशाल्लाह मेरे पास बहुत अच्छे कलर के अंदर पेयर पड़े हुए हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलें देख लेते हैं। जी फैसल भाई, ये जो हम पेयर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं सनकिनोर का। जी सनकिनोर के ये मेरे पास DNA के साथ पेयर है, और ये माशाल्लाह ब्रीड करे हुए पेयर है सारे, रेड फैक्टर नहीं बोलूँगा मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये रेड फैक्टरों से कम भी नहीं है। ठीक है, तो ये बताएं क्या डिमांड है इन पेयर की? इन पेयर की जो कंफर्म ब्रीडर पेयर है मेरे पास, जो बच्चे निकालते हुए, 1,20,000 रुपये का पेयर है विद DNA सर्टिफिकेट के साथ, और इसके साथ बॉक्स गिफ्ट है। ओके, तो कंफर्म ब्रीडर पेयर की डिमांड बता रहे हैं 1,20,000 रुपये। जी बिल्कुल, 1,20,000 रुपये उसकी डिमांड है। तो व्यूवर्स आप लोगों को दिखा देते हैं, यहाँ पे तकरीबन इनके पास 14 to 15 पेयर्स ब्रीडर मौजूद हैं, जिनकी प्राइस इन्होंने 1,20,000 रुपये बताई है, जो कि पहले ब्रीड दे चुके हैं। जी फैसल भाई, ये जो हम पेयर देख रहे हैं इनके बारे में बताएं। जी ये मेरे पास बॉन्डेड पेयर है, जो 75% इनका इस सीज़न चांस है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार है इस टाइम रेडी के लिए, तो ये फर्स्ट ब्रीड करेंगे अभी। ओके, ये पेयर बॉन्डेड हो चुके हैं और फर्स्ट ब्रीड के लिए रेडी हो गए हैं, तो क्या डिमांड है इन पेयर की? ये एक पेयर जो है मेरे पास 1,00,000 रुपये का पेयर विद बॉक्स साथ गिफ्ट मिलेगा, और 1,00,000 रुपये का एक पेयर पड़ेगा। ये 1,00,000 इसकी पेयर की डिमांड बता रहे हैं विद बॉक्स कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं फैसल भाई, आपके पास बॉन्डेड पेयर की क्वांटिटी क्या है? जी बॉन्डेड पेयर माशाल्लाह जो मेरे पास इस सीज़न के लिए रेडी हैं वो तकरीबन 18 से 20 पेयर हैं। अच्छा, DNA हुए हैं इन तमाम पेयर इनके? अल्हम्दुलिल्लाह सारों के DNA हुए, मेल फीमेल कन्फर्म है। जी फैसल भाई, ये जो हम देख रहे हैं इनके बारे में बताएं। जी ये सारे माशाल्लाह यंग पेयर हैं, DNA सर्टिफिकेट के साथ हैं, और तकरीबन दाने इनमें आप देख सकते हैं रेड फैक्टर है। ओके, तो ये बताएं ये कब तक ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाएंगे? देखिए ये इस सीज़न तो ब्रीड नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड करेंगे। इस बार अभी इनकी पेयरिंग कर दी है हमने, तकरीबन सबके DNA मेल फीमेल कंफर्म है इसके अंदर, 15 पेयर है ये। तो क्या डिमांड है इस पर पेयर की? डिमांड जो है 80,000 रुपये रखी है। 80,000 पेयर की डिमांड है, जो कि यंग पेयर हैं, ब्रीडिंग के लिए रेडी हो रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में ब्रीड करेंगे। जी बिल्कुल ब्रीड करेंगे। जी फैसल भाई, मॉन्ग पैरेट भी मौजूद है आपके पास? जी मॉन्ग पैरेट का माशाल्लाह बहुत अच्छे साइज़ के अंदर मेरे पास पेयर पड़े हुए हैं। इनमें मेरे पास 3 कलर हैं, वाइट कलर है, येलो कलर है, और ग्रीन कलर है इसके अंदर। ओके, वाइट, येलो और ग्रीन। तो क्या डिमांड है इस मॉन्ग पैरेट की? जी मॉन्ग पैरेट का जो मेरे पास पेयर है ये DNA सर्टिफिकेट के साथ है, 1,20,000 रुपये का। 1,20,000 इसकी डिमांड बता रहे हैं, और ब्रीडिंग पहले दे चुका है। जी ये कंफर्म ब्रीडर पेयर है। इसी के तरह सेम प्राइस वाइट का भी है, और ग्रीन वाले का जो है वो तकरीबन 35 रखा है हमने। जी फैसल भाई, ग्रे पैरेट के बारे में बताएं, यहाँ पे जो हम पेयर देख रहे हैं। जी ग्रे पैरेट देखें, वैसे बोलते हैं बहुत हॉट आइटम होता है, ब्रीड पे परेशानी होती है,
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना फार्मूला इन पे चला है तो माशाल्लाह मेरे पास एग भी लेइंग करना शुरू कर दिए इन्होंने, मैं आपको अभी वो भी दिखाता हूँ। और मेरे पास जितने ग्रे के प्यारे हैं इनकी फ़ीमेल है सिल्वर है और मेल ग्रे है, तो वाजे कलर इनका बिल्कुल मेल फीमेल का पता लग जाता है। तो क्या डिमांड है पेयर की? पेयर की डिमांड जो है तकरीबन मैंने जो रखी है 2.5 लाख रुपये डिमांड रखी है। एग्स के ऊपर से ले जाएँ पेयर उठा के, या जैसे ये एग के साथ बॉक्स समेत भी लेना चाहें तो हम देने को तैयार हैं, कोई मसला नहीं है आपके व्यूवर्स को। तो कितने पेयर अवेलेबल हैं जी? ग्रे के मेरे पास इस टाइम 8 पेयर अवेलेबल हैं। 8 पेयर अवेलेबल हैं जी। माशाल्लाह फैसल भाई देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एक ग्रे पैरेट का ब्रीडिंग बॉक्स खोला है और इन्होंने एग लेइंग की हुई है, तो ये उसी फार्मूले का रिजल्ट है जी? अल्हम्दुलिल्लाह देखें मैंने वही फार्मूला, मैं वीडियो के लास्ट में भी आपको दिखाऊंगा, मैंने अपने बर्ड्स को भी चलाया तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रे के 2 से 3 पेयर में लेइंग स्टार्ट कर दिए जी। फैसल भाई इलेक्ट्रिस के जो पेयर हम देख रहे हैं इसके बारे में बताएं जी। ये इलेक्ट्रिस फुल जंबो साइज़ के अंदर पेयर है माशाल्लाह मेरे पास, इलेक्ट्रिस वॉस मेरी कहलाता है। तो क्या डिमांड है इस पेयर की? इस पेयर की डिमांड जो रखी है 4.5 लाख रुपये रखी है। 4.5 लाख रुपये इस पेयर की डिमांड है। अच्छा ये पेयर पहले ब्रीड दे चुका है? जी बिल्कुल, ये पहले ब्रीड कर चुका है, बस अभी इंशाल्लाह इसका 1-2 दिन में बॉक्स आ जाएगा तो हम बॉक्स लगा देंगे इसमें जी। जी फैसल भाई ये जो हम कॉकटू देख रहे हैं इसके बारे में बताएं जी। ये माशाल्लाह मीडियम सल्फर का बहुत अच्छे साइज़ में मेरे पास पेयर है और कन्फर्म ब्रीडर पेयर है, फीमेल रेड आइस में है इसकी और मेल ब्लैक आइस में। क्या डिमांड है इस पेयर की? इस पेयर की डिमांड जो है 3,80,000 रुपये रखी है। अच्छा ये DNA पेपर के साथ में? नहीं, इनमें DNA की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसकी फीमेल की आई जो होती है वो रेड होती है और मेल की ब्लैक होती है। ओके, तो ये पेयर पहले ब्रीड दे चुका है? ये ब्रीड कर चुका है, बड़ा पेयर है मैक्सिमम 9 से 10 साल का। अच्छा इतने बड़े केज में ब्रीड कर जाते हैं? जितने बड़े केज में कर देते हैं, इतना बड़ा केज हो तकरीबन 4x3 का तो उसमें बआसानी ब्रीड कर जाते हैं जी। फैसल भाई ये जो हम देख रहे हैं ग्रीन विंग मकाओ इसके बारे में बताएं जी। ये ग्रीन विंग मकाओ का बड़ा पेयर है तकरीबन 10 से 12 साल का। तो क्या डिमांड है इस पेयर की? इस पेयर की जो डिमांड हमने रखी है वो रखी है इसकी 6.5 लाख रुपये। 6.5 लाख रुपये डिमांड रखी है। अच्छा ये पहले ब्रीड दे चुका है? नहीं ये पहले ब्रीड नहीं कर चुका है, ये अब फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक्टिविटी के हिसाब से रेडी है पेयर। ओके रेडी टू ब्रीड पेयर है, फर्स्ट टाइम ब्रीड देगा और जो डिमांड रखी है वो 6.5 लाख रुपये फाइनल इसकी डिमांड रखी है। 6.5 लाख रुपये डिमांड है इसमें जी। जी फैसल भाई ये जो हम देख रहे हैं पेयर इसके बारे में बताएं जी। ये ब्लैक कैप काइक का पेयर है मेरे पास, पुराना पेयर है और लोकल DNA के साथ है ये। क्या डिमांड है इसकी? इस पेयर की जो डिमांड हमने रखी है 1,20,000 रुपये डिमांड रखी है इसकी और माशाल्लाह इसके 8 से 10 पेयर अवेलेबल है मेरे पास। अच्छा तो पहले ब्रीड दे चुका है? ये पहले ब्रीड कर चुके, बड़े पेयर हैं सारे जी। फैसल भाई ये जो हम देख रहे हैं रिंगनेक इनके बारे में बताएं जी। ये रिंगनेक की मेरे पास 4 से 5 मोटिशनें पड़ी हुई हैं और ये ब्रीडर फीमेलें हैं तकरीबन 3.5 से 4 साल की। अच्छा तो क्या डिमांड है इसमें? देखिए डिफरेंट प्राइस है, जो सामने ब्लू वाली बैठी हुई है फीमेल ये कोबाल्ट एच कहलाती है और ये 80,000 रुपये की फ़ीमेल है। इसमें वाइट फीमेल पड़ी हुई है और लेसफिन और क्रीमिनो की फ़ीमेल है, ये कोई सी भी लेंगे तो ये 45,000 की पड़ेगी। अच्छा और इनको किन किन रिंग नेक के साथ लगा सकते हैं ब्रीडिंग? देखिए इसमें मोटिशन भी चल सकती है कि आप कलर का कोई नर लगा सकते हैं और सेम पेयर लगाना चाहें तो बआसानी मिल जाता है, वाइट मेल भी मिल जाता है और क्रीमिनो भी मिल जाएगा, लेसफिन भी। जो इसमें यूनिक आइटम है वो है ये कोबाल्ट एच कहलाती है, तो ये अगर कोबाल्ट के साथ भी लगा दें चिक्स वगैरह अगर इसके आएंगे तो वो कोबाल्ट एच के भी आ सकते हैं और वायलेट के भी आ सकते हैं जी। फैसल भाई ये जो हम देख रहे हैं पेयर डर्बियन का इसके बारे में बताएं जी। ये मेरे पास डर्बियन का ब्रीडर पेयर है, मैक्सिमम 6-6.5 साल का पेयर है। क्या डिमांड है पेयर की? इस पेयर की जो डिमांड हमने रखी है 1,60,000 रुपये रखी है। 1,60,000 रुपये पेयर की डिमांड है और पेयर पहले ब्रीड दे चुका है? बिल्कुल ब्रीड कर चुका हुआ, बिल्कुल साइलेंट पेयर है, कोई जंगली पद नहीं है इसके अंदर, आप देखें कितने आराम से मुतमिन होकर बैठे हुए हैं। तो व्यूवर्स ये ब्रीड मौजूद थी फैसल भाई के फॉर्म पे और उम्मीद करता हूँ आज आप तमाम व्यूवर्स को ब्रीडर पेयर पसंद आए होंगे। तो फैसल भाई आपसे रिक्वेस्ट की थी हमने कि ब्रीडिंग फार्मूला भी हमारे जो व्यूवर्स हैं जो भी आपसे पेयर परचेस करता है उसको 1 वीक का या 1 और 2 डेज़ का जो है फार्मूला वो दीजिएगा।
तो फार्मूले से रिलेटेड बात भी हुई थी तो फार्मूला भी दिखा देते हैं, इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जी बिल्कुल, देखें आपका जो भी व्यूअर मेरे पास आएगा बर्ड्स परचेज करने के लिए, उनको वन वीक के लिए मैं फार्मूला अपना दूंगा जो बर्ड्स पे चला रहा हूँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। पिछले साल भी लोगों के पास आया था, और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये हमारे पास है, ये 100 ml की बॉटल है, ये फास्ट ब्रीडिंग फार्मूला हमारा कहलाता है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है तो तमाम व्यूवर्स ये लगा सकते हैं बर्ड्स को अपने, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इनका। और अगर कोई व्यूवर सिर्फ ये फार्मूला लेना चाहे तो? जी ये फार्मूला 100 ml की जो बॉटल है ये 1500 रुपये की बॉटल पड़ेगी। ठीक है, तो व्यूवर्स ये है वो फार्मूला जिसका डोज जो भी हजरात पेयर परचेज करेंगे उसके साथ गिफ्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल, इसी की मिनी बॉटल हमने बना दी है, तो आपका जो भी व्यूवर्स आएगा उसको एक पेयर के साथ हम वो गिफ्ट करेंगे। 100 ml की जो बॉटल लेना चाहेगा वो 1500 रुपये की फास्ट ब्रीडिंग फार्मूले की बॉटल है। जी फैसल भाई, ये जो बॉटल है इसके बारे में बता। जी ये 30 ml की बॉटल है हमारे पास। ये जैसे अक्सर ऐसा हो जाता है कि अनफर्टाइल कोई पेयर हो जाता है किसी के पास, तो ये 10 दिन का कोर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने भी यूज़ करा अपने बर्ड्स को तो बिल्कुल सही हो जाता है। ये 10 दिन आप अपने बर्ड्स को लगवा दें तो अनफर्टाइल की भी शिकायत इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो इसकी क्या कॉस्ट है? ये 500 रुपये की 30 ml की बॉटल है। ठीक है, तो व्यूवर्स जिनके पास भी पेयर्स में अनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, यानी कि एग लेइंग तो हो रही होती है लेकिन एग्स में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही होती है, कि वो जो अंडे होते हैं वो बेसिकली कोरे अंडे कहलाते हैं। जी बिल्कुल, अनफर्टाइल जो होते हैं अनफर्टाइल एग्स कहलाते हैं, तो उस शिकायत के लिए ब्रीडर पेयर को इसका डोज दिया जाएगा तो इंशाल्लाह उनका जो एग लेंगे वो फर्टिलिटी में आ जाएगा। जी बिल्कुल, जो नेट क्लच करेंगे तो इंशाल्लाह वो फर्टाइल हो जाएंगे। अच्छा ये बताएं फैसल भाई कि ये ऑल टाइप्स ऑफ बर्ड में काम आ सकते हैं, जैसे पोल्ट्री हो गए या दीगर बर्ड्स के लिए? जी बिल्कुल, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे दोनों फार्मूले हैं ये इस्तेमाल कर सकते हैं पोल्ट्री वाले भी आराम से, उनको भी ये रास आ जाएगी उनके बर्ड्स को और चल जाएगी। और पिजन्स में? पिजन्स के अंदर भी बिल्कुल चलती है, फास्ट ब्रीडिंग है, होम्योपैथी का है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है इसका। ठीक, तो फैसल भाई यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिसको भी आप ये फार्मूला देंगे या कोई परचेज करता है तो उसको आपने गाइड कर देना प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से इसकी डोजेज जो है वो बर्ड्स को दी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपका यहाँ पे भी बता देता हूँ, इसका बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका है कि आप अपने बर्ड्स का शाम को पानी निकाल दें तो वो रात भर का प्यासा होगा, जब आप सुबह पानी डालेंगे तो 5 ड्रॉप्स के कतरे एक पानी की प्याली में डाल दें, 20 दिन का ये कोर्स कराएं तो इंशाल्लाह उसमें ये है कि ब्रीड प्रोडक्शन अच्छी आएगी उनके पास। और कितने अरसे तक कराना है ये? 20 डेज तक करवाना है, सीज़न में एक बार बस। ठीक, तो व्यूवर्स ये ब्रीड मौजूद थी फैसल भाई के पास, उम्मीद करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को ये विज़िट पसंद आया होगा। अब मुझे और फैसल भाई को दे दीजिए इजाज़त, फैसल भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें। जी कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 0333-369-7732, और लोकेशन जो है हमारी महमूदाबाद बलोच कॉलोनी फ्रेंड CNG पंप की है। इंशाल्लाह जो भी व्यूवर्स आएंगे उनके साथ कॉपरेट और ताउन बरकरार रहेगा। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह आपके व्यूवर्स के साथ कॉपरेट करते हैं, अब भी जो आएगा इंशाल्लाह उनको अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेंगे। जज़ाकअल्लाह। जी बिल्कुल, अल्लाह हाफिज़। तो व्यूवर्स उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आई होगी, क्योंकि ब्रीडिंग का सीज़न हो गया है स्टार्ट और ब्रीडिंग पेयर आप तमाम व्यूवर्स को दिखाने थे तो आज ये सेटअप पे हैं। खासकर रिक्वेस्ट की थी फैसल भाई से कि ब्रीडर पेयर कलेक्ट कीजिएगा ताकि आप तमाम व्यूवर्स इससे बेनिफिट उठा सकें। उम्मीद करता हूँ आज की आप तमाम व्यूवर्स को इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।